अच्छा जी, तो अब हम आते हैं यहाँ पे डॉकर पे। हमने पुश करके देख लिया इसको, और अब हम इसको हेरोको पे पुश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हेरोको पे पुश करने के लिए क्या है? हेरोको पे पुश करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एक ऐप आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ से न्यू ऐप पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ऐप, और उसका नाम हम सेलेक्ट करके ये आपने एक ऐप बना ली। अच्छा, ऐप बनाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ जाना है इसके डिप्लॉय के सेक्शन में, यहाँ पे कंटेनर है। अच्छा, कंटेनर है, और हेरोको की सीएलआई से भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और डॉकर की सीएलआई से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने डॉकर की सीएलआई से किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसके लर्न मोड पे क्लिक करेंगे तो पूरा इनका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि हेरोको की सीएलआई से हम इस डॉकर को कैसे कर सकते हैं, मतलब डॉकर की इमेज को कैसे यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो सिंपल क्या करना है, हेरोको लॉग इन करना है, डॉकर पी एस हेरोको कंटेनर लॉग इन, इससे आपकी सीएलआई ऑथेंटिकेट हो जाती है, और फिर पुश वेब, सिंपल। लेकिन हम क्या करेंगे, अच्छा इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ भी है कि डॉकर से भी कैसे पुश करना है और हेरोको की सीएलआई से कैसे करना है, तो हम जो है हेरोको की सीएलआई से पुश करेंगे इसको। अच्छा, तो हेरोको की सीएलआई से पुश करने के लिए सबसे पहले अपने इसको ना टैग करना पड़ेगा हमें। अच्छा, टैग करने के लिए क्या, डॉकर टैग मेरी इमेज का पूरा नाम, मुकम्मल नाम, रेपोजिटरी नाम, इमेज का नाम और उसका जो करंट टैग है, और उससे हमें इस वाले को टैग करना पड़ेगा। टैग्स एक्चुअली ये होता है कि इसकी एक कॉपी बन जाती है, ये हमारा जो भी इमेज था ना, ये इस नाम से जो इमेज था, ये इसकी इस नाम से कॉपी बन गई है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये हम क्या लिखा था, यूज़र नेम, उसके बाद इमेज का नाम, उसके बाद टैग, तो इसमें भी देखें ऐसे ही है, ये इसके अंदर जो है इनकी रजिस्ट्री का नाम है, ये ऐप का नाम है और ये वर्कर है। तो इन्होंने अपना थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज किया हुआ है, तो हम ये वाली कमांड चलाएंगे यहाँ पे आके, और उसके बाद फौरन ही बाद ये कमांड चला देंगे। ठीक है जी, तो ये पुश करना शुरू कर देगा, प्रिपेयरिंग। ठीक है जी, डॉकर पुश, और ये जो हमने कॉपी बनाई है, एक्चुअली ये हमने कॉपी बनाई है, तो इस कॉपी को हम पुश कर देंगे। अच्छा, ये कॉपी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे नाम का फर्क है। अगर आप एक्सप्लिसिटली डॉकर के लिए, हेरोको के लिए बना रहे हैं, तो आप शुरू में ही इस तरह का नाम रखेंगे तो आपको ये कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसी तरह डॉकर गूगल के कंटेनर इंजन में अगर भेजना है आपको, तो सिंपल आप इसी तरह टैग का उन्होंने अपना बताया होगा कि कैसे टैग लगाना है, और टैग लगा के आपने पुश कर देना है उसको। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे ना आता है स्टैंडर्ड। अब ऐसा स्टैंडर्ड हो गया, ये आपकी एक इमेज बिल्ड हो गई, यहाँ पे एक इमेज आपकी ये बिल्ड होकर पड़ी हुई है, इस इमेज को आप एज इट इज, थोड़ा सा सिंटेक्स पुश करने का चेंज है सिर्फ, मगर एज इट इज इस इमेज को आप गूगल कंटेनर इंजन पे, AWS पे, हेरोकू पे, या और भी कोई, जैसे ओपन शिफ्ट है एक रेड हैट वालों का, या और भी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्वर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वहां आप इसको भेज सकते हैं। शर्त यह कि वो डॉकर को सपोर्ट करता हो, डॉकर वो डिप्लाई करने की देता हो फैसिलिटी, तो इसको आप इस कंटेनर को बगैर किसी चेंज के वहां पे आप भेज सकते हैं, या वहां पे चल पड़ेगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे आके देखते हैं कि ये इसने पुश कर दिया। अच्छा, पुश कर दिया, हम यहाँ आते हैं और हेरोको की ऐप को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओपन ऐप, ये हमारे पास डॉकर ये चल पड़ा है, और इसका अब लॉग्स अगर हमें देखना है तो ये व्यू लॉग्स यहाँ आ रहे होते हैं। अच्छा जी, तो हम अब एक बार और डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, ये कुछ कमांड इसमें से एक बार चलाने वाली है, कुछ कमांड्स बार बार चलाने वाली हैं। तो हमें सिंपल क्या करना है, मैंने ये build.sh की फाइल बनाई है, हम अब प्रोजेक्ट में आके कोई चेंज करते हैं। प्रोजेक्ट में आके मैंने कुछ चेंज किया, और मुझे क्या करना है, इस build.sh की फाइल को चला देना है, जिसमें मेरे पास कौन सी कमांड है, इसको बिल्ड किया जाए, टैग लगाया जाए और पुश कर दिया जाए, ये तीन काम इसके अंदर रखे हैं मैंने। तो मैं सिंपल आऊँगा और मैंने कहा कि यार build.sh, ये नया CLI खोल के उसके अंदर ये चला देता है पूरा, और ये आपका पुश भी हो जाता है और वो भी हो जाता है। और इसकी एक बात और अच्छी है कि ये सारे लेयर्स को पुश नहीं करता, आप अभी देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कह देगा, ये देखें लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमारा जो डॉकर की जो इमेज है उसके अंदर जो जो लेयर्स चेंज नहीं हुई हैं उनको ये दोबारा लेके नहीं जाता। मिसाल के तौर पे हमारा जो सबसे फर्स्ट लेयर था वो कौन सा था, हमारा सबसे फर्स्ट लेयर ये था, नॉर्ड कार्बन अल्पाइन,
तो ये लेयर दोबारा नहीं जाएगी। जब जब हम पुश करेंगे तो सिर्फ वो चीज़ें जाएंगी जो चेंज हुई हैं, पूरा हमारा इमेज कभी भी उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा इमेज तो 250-250 MB का है, तो वो तो बार बार जाएगा, तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा और मसला भी होगा। तो ठीक है जी, ये हमारा जो हमने चेंज किया था ये वहाँ पे पुश हो चुका होगा, तो हम इसको जाके देखते हैं कि वाकई वहाँ पे पुश हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है जी, यहाँ पे ये चेंज अपेयर हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ये वो भी चल पड़ा है, जब हम इसको हिट करते हैं तो ये एक बार चलता है, तो हम इसको ये दोबारा हिट करेंगे, ये दोबारा चल पड़ा, ठीक है जी, 2 times। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का टच था, मगर ये एक्चुअली ये कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट नहीं है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ये होगी कि हम जो ये सारा काम यहाँ अपने हाथ से कर रहे हैं, वो सारा काम हम कहाँ करें, हम गिट की रिपोजिटरी से करें। अच्छा, तो अभी हमारा फ्लो क्या है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये गिट में एक जगह अलग वर्जन कंट्रोल हुआ हुआ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरे पास चेंजेस है, मैंने ऐसे कमिट किया, कुछ भी मैसेज लिखा और ये एक तरफ पुश कर दिया, ये मेरा कोड है, ये मैंने गिटहब पे पुश कर दिया। ठीक है जी, ये मैंने गिटहब पे कोड पुश कर दिया, और जब मैंने डिप्लॉय करना है, जो भी बंदा इसको क्लोन करेगा, उसके पास ये गिट इग्नोर आ जाएगा, ये डॉकर इग्नोर आ जाएगा, डॉकर फाइल आ जाएगा, वो सिंपल अपनी कमांड लाइन में जाएगा और क्या करेगा, वो चलाएगा build.sh। चलाते ही वो पूरा एक इमेज बनेगा और डिप्लॉय हो जाएगा। अगर उसको लोकली चलाना है, लोकली चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, ये यहाँ पे कमांड है build.sh में लिखी हुई है, कमेंट हुई हुई है, ये वाली कमांड चलाएगा तो वो लोकल चल पड़ेगा। अगर ये कमांड नहीं चलाना चाहता वो, तो यहाँ से काइटमेटिक से आएगा, जैसे ही वो पहली बार बिल्ड करेगा तो यहाँ अपेयर होना शुरू हो जाएगा वो इसी नाम से। उसने सिंपल क्रिएट करना है और एक कंटेनर खड़ा हो जाएगा चल के, उसको वो चला सकता है। अच्छा, ये रिफ्रेश नहीं होता खुद से, तो ये जो ना भूल गया, तो इसको हम बंद करके खोलेंगे तो ये नया वाला इमेज आ जाएगा इसके पास। एक्चुअली ये लेटेस्ट को चलाने की कोशिश कर रहा है, हमारा तो लेटेस्ट है नहीं, हमारा तो डेव है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, डेव यहाँ पे आ ही नहीं रहा, डेव 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 कहाँ रहा है। अच्छा, तो पहली बार उसने जैसे ही बिल्ड किया, बिल्ड चलाया उसने, तो यहाँ पे उसके पास आ जाना चाहिए डेव के नाम से बना हुआ आ जाना चाहिए इसके पास। हाँ, ये डेव के नाम से बना हुआ आ गया, इसको क्रिएट करना है सिंपल, उसने वो कमांड लाइन से भी चला सकता है, नो इशू, और ये 3200 पे चलना शुरू हो गया, वो हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बीच में रह गई, वो ये कि पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, यहाँ पे जो आप देखेंगे ना इसको, ये 3200 पे नहीं चल रहा, ये चल रहा है कहाँ गया, ये चल रहा है इस पोर्ट पे। तो ये कैसे हुआ, मैंने तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में सेट किया था कि 3200 पे चलो, तो हुआ ये है कि जैसे ही हमारा जो ये इमेज है ना, ये इमेज जब हम किसी भी जगह भेजते हैं, तो वहाँ पे जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि ये जिस हम एनवायरनमेंट में भेजेंगे इसको, जिस प्लेटफॉर्म में भेजेंगे, तो वहाँ पे ये पोर्ट उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल से मिलेगा। अच्छा, एनवायरनमेंट वेरिएबल मैंने यहाँ से सेट कराया है ये वाला, तो क्या होगा कि जब ये हिरोकू पे जाता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता है, तो वो क्या करता है, यहाँ से ना इस लाइन को चेंज कर देता है, इस लाइन को उड़ा के वो यहाँ पे अपनी लाइन लगा देता है। वो यहाँ पे ENV मिसाल के तौर पे उसने कहा, और उसने कहा कि यार पोर्ट, और वो कुछ भी लिख सकता है अपनी मर्जी से, जो भी उसका दिल करे। उसने कहा कि यार ये इस पोर्ट पे चला दो, इस पोर्ट पे चल जाएगा। अच्छा, जहाँ जहाँ भी ये हुआ हुआ था, एक्सपोज को भी वो रिमूव करके ये अपना लगा देता है एक्सपोज, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई, वरना मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। मगर मैं भी पहले शुरू में समझ भी नहीं आ रहा था मेरे कि क्यों नहीं आ रही है, तो फिर मैंने पढ़ा, मुझे पता चला कि वो इन दोनों को ना चेंज कर देता है, वो अपना यहाँ पे पोर्ट एनवायरमेंट वेरिएबल सारे अपने लगाता है, एक्सपोज का पोर्ट भी वो अपनी मर्जी से लगाता है, तो इस वजह से ये प्रॉपरली वहाँ पे चल गया। अच्छा, अगर वो नहीं लगाएगा तो यही एग्जैक्टली ये वाला चल जाएगा, अगर हिरोकू ने ये चेंज नहीं किया, अपना यहाँ पे वेरिएबल नहीं डाला, तो जो पहले मैंने डाला है वो चल जाएगा। अच्छा जी, तो चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।